फ्रेंड्स, ये देखिए आज मैं लेके आपके लिए ब्यूटीफुल इजी सी फ्रॉक। ये बहुत ही आसान सी फ्रॉक है जिसकी जो घेर की डिज़ाइन आप देख रहे हैं इसकी वीडियो मैंने अपलोड की हुई है। बाजू पे ये जो आप डिज़ाइन देख रहे हैं ये भी मैंने अपलोड की है। और आज की इस वीडियो में मैं ये गले पे जो डिज़ाइन बनी है कि गला कैसे बनाएंगे, ये गला मैं आपको बताऊंगी। एकदम लेटेस्ट स्टाइल का गला है और बहुत आसान है। अगर आप बिगनर्स हैं, आपको थोड़ा सा भी सिलाई चलाना आता है और क्रोशिया चलाना आता है, तो इस डिज़ाइनर गले को इस फ्रॉक में बना सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत फ्रॉक है। देखिए इसको मैं पास से दिखाती हूँ। ये देखिए, ये कुछ दिन पहले मैंने इसकी वीडियो अपलोड की थी, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और ये ऊपर मैंने प्लेन प्लेन बुना है। और ये जो बाजू पे है इसकी डिज़ाइन भी मैंने अपलोड की हुई है। आज की वीडियो में हम ये गला बनाना सीखेंगे। अंगरखा स्टाइल का गला है और क्रोशिया से मैंने इसमें ये झालर बनाई हुई है। बहुत ही लेटेस्ट, बहुत ही यूनिक और 100% श्योर है कि आपको किसी और चैनल पर यह गला बनाना नहीं बताया गया होगा। तो चलिए आज हम इस खूबसूरत से फ्रॉक का लास्ट पार्ट गला बनाना सीखते हैं। लेट्स स्टार्ट इट। मेजरमेंट से स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने 70 फंदे डाले थे और 70 फंदे डाल के ये डिज़ाइन मैंने 5 इंच बुनी है। 5 इंच के बाद यहाँ से आर्म होल तक मैंने 7 साढ़े 7 इंच बुनाई की है। और आर्म होल घटाने के बाद यहाँ पे मैंने 6.5 इंच की बुनाई की है, 6.5 इंच की बुनाई की आर्म होल घटाने के बाद। और ये डिज़ाइन भी मैंने इसका वीडियो भी इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और ये देखिए बाजू, बाजू मैंने 41 फंदे डाले थे और 41 फंदे डाल के मैंने 8 इंच आर्म होल तक की बुनाई की है। ये जो आर्म होल तक की देख रहे हैं आप, यहाँ तक की बुनाई की है। और फिर उसके बाद आर्म होल घटा के ये 4 इंच की बुनाई की है यहाँ पे। और 4 इंच के बाद सारे फंदे घटा दिए हैं। तो ये जो बाजू की डिज़ाइन का लिंक है उसमें आपको इसका मेजरमेंट मिल जाएगा। और ये 2 से 3 साल तक की बच्ची के लिए है, आराम से उसको हो जाएगा। तो ये इसका मेज़रमेंट है, ये डिज़ाइन भी अपलोड है, ये डिज़ाइन भी अपलोड है, ये तो मैं बताने जा रही हूँ, बाजू भी अपलोड है। तो पूरी वीडियो देख के आप इस फ्रॉक को बना लीजिए, बहुत ही प्यारी फ्रॉक लगेगी। तो चलिए हम अपने नेक डिज़ाइन की तरफ बढ़ते हैं। के लिए जहाँ से हमें आर्म होल घटाना है उसके बाद से हम इस गले को बनाएंगे। तो देखिए आर्म होल ये चूँकि 2 से 3 साल तक की बच्ची के लिए है और मैं 3 2 1 ही घटाती हूँ, चाहे बड़ों का हो या छोटों का। और जब ज़्यादा बड़ों का बनाना हो तो उसमें मैं 4 3 2 1 घटा देती हूँ। तो देखिए पहले हम ये एक फंदा घटाया, फिर बैक साइड से ये दूसरा फंदा हमने घटा लिया, फिर ये तीसरा घटा लिया। अब सारे फंदों को हम सीधा सीधा बुनते हुए एंड तक जाएंगे इस तरह से। तो लाइन को कंप्लीट कर लेते हैं। पहले लाइन हमने कंप्लीट कर ली है और फिर दूसरी साइड से हम 3 फंदे घटा लेंगे। देखिए रॉन्ग साइड से 2 का 1 किया, फिर इसे वापस से सिलाई में चढ़ाया, फिर 2 का 1 किया, फिर इसे वापस से सिलाई में चढ़ाया, फिर 2 का 1 किया। और फिर अब सारे फंदों को उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट कर लेंगे। फिर राइट साइड से फिर 2 फंदे घटाएंगे। देखिए रॉन्ग साइड की रो कंप्लीट करने के बाद फिर अब 2 फंदे घटाएंगे। पहले हमने 3 फंदे घटाए हैं, अब हम 2 घटाएंगे। तो देखिए बैक साइड से, राइट साइड से फंदे इसी तरह घटाए जाते हैं। बैक साइड से 2 का 1 किया, फिर इस फंदे को वापस सिलाई में चढ़ा दिया, फिर 2 फंदों का 1 किया। ये 2 फंदे घट गए, फिर सारे फंदों को सीधा सीधा बुन लेंगे इस तरह से। तो देखिए फिर हम रॉन्ग साइड की तरफ आ गए हैं, यहाँ पे भी हमें 2 फंदे घटाने हैं। तो देखिए 2 का हमने 1 किया, फिर इसे वापस सिलाई में चढ़ा दिया, फिर 2 का हमने 1 किया। ये 2 फंदे हमारे घट गए और फिर सारे फंदों को उल्टा उल्टा बुनते हुए आएंगे। अब हमें 1 फंदा घटाना है। तो देखिए 1 फंदे को हम इस तरह से घटा देंगे। अब सारे फंदों को सीधा बुन लेंगे अब। देखिए यहाँ हमें 1 फंदा और घटाना है, तो यहाँ का हम 1 फंदा घटा देंगे। तो टोटल मेरे पास यहाँ पे 54 फंदे हैं, 54 फंदे हैं। तो इसका हाफ पोर्शन हम अब दूसरे कलर से बुनेंगे क्योंकि यहाँ से हमारा गला बनेगा। तो अब देखिए यहीं से ये 1 फंदा हमने घटा दिया। देखिए ये हमने 1 फंदा घटा दिया, तो ये 1 और ये 2, इस तरह से हम 27 फंदे जो हैं इसी कलर से बुन लेंगे। अब हमें यहाँ पे ये ब्लू की ज़रूरत नहीं थी, यहाँ पे इसे हम अभी कट कर देते हैं। ये देखिए ये 27 फंदे हमने दूसरे कलर से बुन लिए। अब हम यहीं से टर्न हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ से कुछ नहीं करना है, ये 1 फंदा इस तरह से हम घटाएंगे और सारे फंदों को बुन लेंगे। एक एक फंदा हम घटाते जाएंगे यहाँ से, और जितना हमें शोल्डर के लिए चाहिए 12 फंदे या 13 फंदे तो उतना हो जाएगा। तब उसके बाद हम बिना घटाए बुनेंगे, जो आर्म होल की लंबाई है वो हमारी कंप्लीट हो जाए। तो इस रो को ऐसे ही कंप्लीट करेंगे और रॉन्ग साइड से भी बुनते हुए आएंगे।
ये देखिए अब फिर हम राइट साइड पे आ गए हैं, तो फिर राइट साइड पे ऐसे ही करेंगे। देखिए दो फंदों को हम ऐसे बैक साइड से एक कर लेंगे और फिर सारे फंदों को हम सीधा सीधा बुन लेंगे। और इसी तरह अब आपको बनाते जाना है, जब भी राइट साइड पर आएंगे तो दो का एक करेंगे और फिर सारे फंदों को ऐसे ही बुनते हुए जाएंगे। और जब यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 7 14 फंदे छोड़ देंगे, बाकी सारे फंदे हमारे पास घट जाएं बंद हो जाए, 14 फंदे रह जाएंगे तो बिना घटाए से बुनेंगे। तो पहले हम वहाँ तक घटा लेते हैं जहाँ तक हमारे 14 फंदे आते हैं। ये देखिए ये अब हमारे पास 14 फंदे बचे हुए हैं। देखिए इस तरह से इसका शेप आया है, देख सकते हैं। तो अब हमें इसमें घटाना नहीं है, जैसा है उसी तरह से इसको आर्म होल की लंबाई होने तक बुनना है। अब हम दूसरे साइड का पोर्शन देख लेते हैं, इसे हम बुन के कंप्लीट कर लेंगे। इस सिलाई को ऐसे रख देते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, ये आपको ध्यान देना है। देखिए ये जो फंदे हैं ब्लू वाले, इसे आपको इस तरह से उठाना है। ये देखिए जो ब्लू वाले फंदे हैं इसे हम इस तरह से, देखिए जो चोटी दिख रही है उसमें से एक साइड का, ये इस तरह से हम फंदे को उठाएंगे। देखिए ये हमने सारे फंदे उठा लिए। अब हम यहाँ पे ब्लू कलर से बुनाई करेंगे। हम ब्लू कलर का ऊन इसमें जोड़ लेते हैं पहले। अब देखिए इस ऊन को जोड़ने के बाद ये जो सारे फंदे हैं जो हमने उठाए हैं, पहले हम दो सिलाइयाँ कंप्लीट कर लेते हैं। एक उल्टी, देखिए ये उल्टा कंप्लीट कर रहे हैं हम, रॉन्ग साइड पे हैं, इस तरह से पहले से उल्टा कंप्लीट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, फिर राइट साइड से सारे फंदे हम सीधे सीधे बुन लेंगे। अभी हमने दो सिलाइयों में कोई फंदा घटाया नहीं है, तो अब इसे हम कंप्लीट सीधा सीधा बुन के हम कंप्लीट करते हैं। पहले रो कंप्लीट कर लिए राइट और रॉन्ग साइड से। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हमें फिर से फंदे घटाने, जैसे हमने आर्महोल घटाया था उस तरह से। तो यहाँ पर हमने 3 2 1 घटाए थे, यहाँ पर हम 5 4 3 2 1 घटाएंगे। देखिए फर्स्ट रो में हम पहले 5 फंदे घटा लेंगे। देखिए इस तरह से 2 का 1 किया, इन दोनों को ऐसे बुन लिया, फिर इस फंदे को इस पर चढ़ाया, फिर 2 फंदों को 1 किया, ये 2 फंदे घट गए, फिर तीसरा फंदा ये घट गया हमारा, फिर ये हो गया 4था और ये हो गया 5वां। ये हमने 5 फंदे घटा लिए। अब सारे फंदों को उल्टा बुन लेंगे और राइट साइड से सीधा बुन के आएंगे। फिर रॉन्ग साइड पे जब हम आएंगे, मतलब ये रॉन्ग साइड की रो और राइट साइड की रो हम कंप्लीट कर लेंगे। फिर जब रॉन्ग साइड पर आएंगे तो 4 फंदे घटाएंगे। तो पहले ये दोनों रो कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए ये हमने राइट साइड की भी रो कंप्लीट कर लिया। फिर हम रॉन्ग साइड पे हैं, तो देखिए पहली बार में हमने यहाँ पे 5 फंदे घटाए थे, अब हम यहाँ पे 4 फंदे घटाएंगे। सेम उसी तरह से देखिए ये 1 फंदा घटाया, फिर इसे वापस सिलाई में लिया, फिर ये 2 फंदे घटाए, फिर ये 3 घटाए, फिर ये 4 घटाए और फिर ये 4 फंदे हमारे घट गए। अब हम सारे फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे और फिर जब नेक्स्ट रो में आएंगे रॉन्ग साइड की, रॉन्ग साइड की रो में फिर 3 घटाएंगे। तो एक रॉन्ग साइड की और एक राइट साइड की रो कंप्लीट करके फिर 3 फंदे हम घटाते हैं। अब देखिए फिर से रॉन्ग साइड पे आ गए हैं। हमने तो एक बार 5 घटाया था, एक बार 4, और इस बार हम कितने घटाएंगे, 3 फंदे। देखिए ये देखिए 2 फंदों को 1 किया, ये 1 फंदा घटाया, फिर ये दूसरा हो गया, फिर ये तीसरा हो गया। और फिर हम सारे फंदों को उल्टा बुन लेंगे और राइट साइड की रो कंप्लीट करके आते हैं, फिर 2 फंदे घटाएंगे। देखिए हम फिर से राइट साइड की सिलाई पूरी करके रॉन्ग साइड पे आ गए हैं। अब हमें यहाँ पे 2 फंदे घटाने हैं, तो 2 फंदे हम कैसे घटाएंगे, देखिए ये हमने 2 का 1 किया और इसे इसमें चढ़ाएंगे नहीं, फिर हमने 2 फंदों का 1 किया, ये हमारे 2 फंदे घट गए। अब इसके बाद से हम सारे फंदे इसी तरह से घटाएंगे, 1 फंदा हमें नहीं घटाना है, हमने 5 4 3 2 फंदे घटाए हैं, फिर उसका 2 2 फंदे घटाएंगे। तो ये रो हम कंप्लीट कर लेते हैं और फिर एक बार और मैं आपको बता देती हूँ और उसी तरह से आपको गला बनाना है। ये देखिए हमने फिर से राइट साइड की रो कंप्लीट करके हम रॉन्ग साइड पे आ गए हैं। अब इसी तरह से आपको बनाना है। कैसे बनाना है, देखिए जब भी रॉन्ग साइड पे आएंगे गले की तरफ से पहले 2 फंदों का 1 करेंगे, फिर अगले 2 फंदों का फिर हम 1 करेंगे और फिर
राइट रॉन्ग साइड और राइट साइड की रो कंप्लीट करना है, और ऐसा तब तक करना है जब तक कि हमारे पास यहाँ 14 फंदे नहीं बच जाते। जब यहाँ पे 14 फंदे बच जाएंगे तो हम फंदे घटाना बंद कर देंगे। तो दो दो फंदे घटाने हैं, दो का एक करना है, दो का एक करना है, फिर सारे फंदों को उल्टा बुनना है, फिर राइट साइड बुनना है, फिर रॉन्ग साइड पर आना है, तो दो का एक करना है, दो का एक करना है और उल्टा बुनना है। तो इस तरह से ये आप आर्म होल की लंबाई तक दोनों गले को कंप्लीट कर लीजिए। आर्म होल तक की लंबाई कंप्लीट कर लिए, यहाँ अब तक हमारे 14 फंदे आए, यहाँ तक हम दो दो फंदे घटाते गए हैं। देखिए इसका शेप इस तरह से दिखाई दे रहा है, और ये हमारा आर्म होल जहाँ हमने घटाया था, अब इसकी लंबाई पूरी हो गई है। अब ये है इसका पीछे का पोर्शन, ये देखिए। तो इस पीछे के पोर्शन में इसे हम जोड़ देंगे। मैं फंदों को सुई से उतारती हूँ, अगर आपने सुई से उतारना नहीं सीखा है तो मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, वहाँ जाके आप कंधों को सुई से कैसे उतारें वो सीख सकते हैं। अगर मैंने इस वीडियो में पूरा दिखाया तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो मैं इसे सुई से कंप्लीट करके फिर मैं आपको इसकी बॉर्डर बनाना बताती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने कंधों को उतार लिया है, ये देखिए। अब हमें इसका जो बॉर्डर है वो बनाना है। तो देखिए, ये जो हमने ऑरेंज कलर वाला ऊन जहाँ से ये गला घटाना शुरू किया था, यहाँ पे हम ये पिच कलर का ऊन जोड़ लेंगे। पहले सबसे पहले क्रोशिए की हेल्प से इस ऊन को हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे इस तरह से। देखिए क्या करेंगे, ऊन जोड़ने के बाद हम एक फंदा लेंगे यहाँ पे इस तरह से, और एक चैन बनाएंगे, बस एक ही चैन बनाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, ये जो हमने घटाए हुए हैं, देखिए दिख रहा है आपको, ये गैप दिख रहा है, इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। जहाँ हमने ये देखिए, ये दिख सकता है आपको, ये जब हम घटाते हैं तो उसके बाद थोड़ा सा गैप हो जाता है, उसी में हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए इस तरह से डबल क्रोशिया हम बनाते हुए चलेंगे। तरह से अब देखिए, यहाँ पे हमारा घटाना बंद हो गया है, जहाँ तक हमने घटाया वहाँ तक तो हमें ये गैप मिला है, फिर उसके बाद हमारा घटाना बंद हो गया। तो हम एक एक चैन छोड़ देंगे, देखिए इसमें बना है तो इसको स्किप कर देंगे, इसके बाद वाले में इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर देखिए ये चैन दिख रही है, इसमें एक छोड़ेंगे और एक हम नेक्स्ट में हम ये डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए चैन से मतलब ये जो हम बनाते हैं, ये देखिए, ये जो है देखिए चैन जैसा दिखता है, तो इसी में से एक हमें छोड़ना है और एक हमें बना लेना है इस तरह से। देखिए फिर यहाँ पे एक छोड़ा इसमें बना, एक छोड़ा और इसमें बना लेंगे हम इस तरह से। देखिए ये देखिए, और इसी तरह से यहाँ पीछे की, ये पीछे का गला है जो बैक पोर्शन है हमारा, यहाँ पे भी हम देखिए यहाँ बनाने के बाद यहाँ पे बनाएंगे, थोड़ा थोड़ा छोड़ के बनाएंगे ताकि लूज ना हो। एक चैन छोड़ देंगे, देखिए जो एक लाइन है फंदों की वो छोड़ देंगे, उसके बाद वाले में हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इसी तरह डबल क्रोशिया हमें पूरे पूरे गले में डबल क्रोशिया बना के कंप्लीट करना है। ये देखिए, हमने बैक वाला गला इस तरह से बना के कंप्लीट कर लिया। अब हम फ्रंट साइड के, देखिए हम लेफ्ट गले की तरफ हैं, यहाँ पे फिर उसी तरह से बनाएंगे, एक चैन में बनाएंगे, एक चैन स्किप करेंगे, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे, फिर एक स्किप करेंगे, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे, फिर एक स्किप करेंगे, नेक्स्ट में बनाएंगे, फिर एक स्किप करके इस तरह से। देखिए थोड़ी थोड़ी दूरी पे हमें बना लेना है अपने हिसाब से, ज़्यादा हमें पास पास भी नहीं बनाना है, बहुत दूर दूर भी नहीं बनाना है। पास पास बनाएंगे तो झोल मारने लगेगा, और अगर दूर दूर बना लेंगे तो ये जो है टाइट हो जाएगा इस तरह। और ये जब जहाँ से हमने घटाना बंद किया है, तो वहाँ देखिए जहाँ हम घटा रहे हैं वहाँ पर थोड़ा थोड़ा दूर पर गैप हो गया, उसी गैप में आपको ये डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए तो इसी तरह से बना लेंगे, रो कंप्लीट कर लिए। देखिए लास्ट वाली बात आपको क्या करना है, यहाँ से आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। देखिए ये जो लास्ट वाला हमारा डबल क्रोशिया है, इसके अंदर से हम इस तरह से फंदे को निकाल के एक स्लिप स्टिच बनाएंगे।
और फिर यहाँ पे तीन चैन लेंगे, देखिए 1 2 3, थोड़ा लूज लेंगे। और फिर इसके बाद जो एक डबल क्रोशिया है उसे छोड़ देंगे, इसके बाद वाले में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर हम लूज चैन बनाएंगे 1 2 3, देखिए 3 चैन बनाई हमने। फिर एक डबल क्रोशिया स्किप करके नेक्स्ट वाले में हम इस तरह से, देखिए इस तरह से लेके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 1 2 3, फिर एक डबल क्रोशिया स्किप करेंगे नेक्स्ट वाले में हम इस तरह से क्रोशिया लेंगे, देखिए सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरह से हम इसे बनाते हुए यहाँ तक आएंगे। ये हम सिर्फ शोल्डर्स तक बनाएंगे क्योंकि झालर हमें सिर्फ शोल्डर तक ही बनानी है। तो इस तरह से बनाते हुए आएंगे, रो कंप्लीट कर लिए। फ्रेंड्स, इस रो को बनाते वक्त एक चीज़ का आपको ध्यान देना है कि जो आपकी चेन स्पेस हो वो 4 का मल्टीपल +1 हो। अगर उसमें आपके 1-2 डबल क्रोशिया का स्पेस ये कम हो रहा है तो आप एक आध बढ़ा लें, वरना अगर 3 कम हो रहा है तो छोड़ दें, और अगर एक आध कम हो रहा है तो बना लें। अब देखिए यहाँ से क्या करना है आपको, यहाँ से हमें टर्न हो जाना है। यहाँ पे हम एक चैन लेंगे और ये जो चैन स्पेस लास्ट वाला है इसमें हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पे 1 2 3, 3 के बाद यहाँ पे एक हम देखिए सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब देखिए फिर यहाँ पे एक और चैन स्पेस 1 2 3, 3 के बाद सॉरी चैन स्पेस बना लिया हमने, यहाँ पे एक चैन स्पेस बनाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे हम 7 to 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 8 बना लेते हैं, देखिए 2 3 4 5 6 7 और ये 8 डबल क्रोशिया बना लिया। अब नेक्स्ट चैन स्पेस में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 1 2 3, ये देखिए एक चैन स्पेस बनाया हमने। फिर उसके बाद नेक्स्ट में हम 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ये देखिए 8 डबल क्रोशिया हमने बनाया। फिर इसे हम नेक्स्ट चैन स्पेस में ऐसे स्लिप स्टिच सिंगल क्रोशिया सेट करेंगे, फिर 1 2 3, 3 चैन, नेक्स्ट चैन में हम सिंगल क्रोशिया से ऐड करेंगे, ये देखिए। फिर हम नेक्स्ट में देखिए इसमें हम 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से आपको एक चैन स्पेस बना के डबल क्रोशिया बना लेना है, देखिए 2 3 4 5 6 7 और ये 8, 8 डबल क्रोशिया बनाया। फिर चैन स्पेस में हम सिंगल क्रोशिया, फिर 1 2 3, 3 के बाद फिर सिंगल क्रोशिया, फिर उसके बाद 8 डबल क्रोशिया। तो ऐसे ही इस रो को कंप्लीट करते जाएंगे। ये देखिए ये रो हमने कंप्लीट कर लिया, मेरे पास लास्ट में सिर्फ एक चैन स्पेस बचा हुआ है। अगर आपके पास 2 बचा है तो आप लास्ट में उसमें फिर से स्पेस बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है हमें, यहाँ पे फिर हम 2 चैन लेंगे, 1 2, और फिर उसके बाद ये जो चैन स्पेस है इसमें हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, ये देखिए। फिर एक चैन लेंगे और ये जो डबल क्रोशिया है इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चैन, फिर एक डबल क्रोशिया, देखिए फिर एक चैन, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर एक चैन, फिर नेक्स्ट एक डबल क्रोशिया। तो एक डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर चैन लेंगे इस तरह से, देखिए ये देखिए ये हमने 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर एक चैन लेंगे और ये जो चैन स्पेस है हमारा इसमें हम एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर एक चैन लेंगे, फिर देखिए यहाँ पे वही काम करना है, डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, फिर एक चैन, फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, फिर एक चैन, फिर नेक्स्ट, फिर एक चैन, फिर नेक्स्ट, फिर एक चैन, फिर नेक्स्ट, फिर एक चैन। तो ऐसे ही आपको ये रो कंप्लीट करनी है, देखिए
देखिए, अब ये एक चैन लेने के बाद हमें फिर जो चैन स्पेस है इसमें हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो ऐसे ही हम ये रो पूरी कंप्लीट कर लेंगे। रो कंप्लीट कर ली है, अब यहाँ पे हम लास्ट में हैं, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हम यहीं से जो है टर्न हो जाएंगे इस तरह से। अब देखिए ये जो हमारा फ्लावर बना है, इसका जो फर्स्ट स्पेस है चैन स्पेस, इसमें हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 1 2 3 चैन बना के फिर सेम में एक और स्लिप स्टिच लेंगे, फिर नेक्स्ट में स्लिप स्टिच 1 2 3 3, फिर एक स्लिप स्टिच, फिर नेक्स्ट, ये देखिए नेक्स्ट स्पेस में स्लिप स्टिच 1 2 3, फिर एक स्लिप स्टिच। ये देखिए इस तरह से हमारे ये पीकोट बन जाएंगे। तो इस तरह से हमें बनाते हुए जाना है। देखिए स्लिप स्टिच 1 2 3, सेम स्पेस में स्लिप स्टिच, सॉरी इस तरह से, फिर स्लिप स्टिच 1 2 3, 3 चैन, फिर स्लिप स्टिच, फिर स्लिप स्टिच 1 2 3, स्लिप स्टिच, फिर स्लिप स्टिच 1 2 3, स्लिप स्टिच, फिर नेक्स्ट में स्लिप स्टिच 1 2 3 चैन, फिर स्लिप स्टिच, और ये लास्ट वाला स्लिप स्टिच 1 2 3 चैन, फिर स्लिप स्टिच। और फिर देखिए नेक्स्ट पे आ गए, तो यहाँ पे वही करना है स्लिप स्टिच। तो इसी तरह से ये रो हमें कंप्लीट कर लेनी है। ये देखिए हमने लास्ट वाले तक कर लिया है। अब हम ये जो चेन स्पेस बनाया था इसमें इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाते हुए इसे एंड करेंगे। 2 सिंगल क्रोशिया इस स्पेस में बना लेंगे, फिर नेक्स्ट स्पेस में 2 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, फिर जो हमने ये देखिए ये जो बनाया था इसके अंदर हम इसे निकाल देंगे इसे। ये देखिए ये जो हमारी फ्रॉक का झालर है, झालर ये तैयार हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें ब्लू कलर का ऊन लेना है और इस ब्लू कलर के ऊन को इस बार हमें यहाँ जोड़ना है। तो हम जोड़ेंगे कहाँ, ये देखिए जो ये हमने डबल क्रोशिए बनाए थे, ये देखिए जो डबल क्रोशिए बनाए थे यहाँ हम इसे जोड़ेंगे इस तरह से, जोड़ के हम यहाँ पहले गांठ लगा लेते हैं। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे बूटीज बनाएंगे। बूटीज कैसे बनाएंगे, देखिए जो पहला डबल क्रोशिया है इसमें हम पहले एक चैन ले लेते हैं, फिर एक डबल क्रोशिया छोड़ेंगे और उसके बाद वाले में हम 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ये 8 डबल क्रोशिया बनाया। अब एक स्पेस छोड़ेंगे, देखिए एक छोड़ेंगे और उसके बाद वाले में हम स्लिप स्टिच न बना के सिंगल क्रोशिया से इसे ऐड करेंगे। देखिए फिर एक डबल क्रोशिया का स्पेस छोड़ेंगे, एक डबल क्रोशिया छोड़ेंगे और उसके बाद वाले स्पेस में देखिए यहाँ पे हम फिर से 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 डबल क्रोशिया हमने बनाया। फिर इसे हम एक स्पेस छोड़ के नेक्स्ट में हम इसे सिंगल क्रोशिया से ऐड कर देंगे। देखिए इस तरह से, तो ये ऊपर की तरफ होगा, ये नीचे नहीं होगा, ये ऊपर की तरफ होगा। तो इसी तरह से देखिए फिर एक छोड़ेंगे, फिर उसके बाद वाले में 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 8 डबल क्रोशिया बनाया, फिर एक स्पेस छोड़ के नेक्स्ट में हम सिंगल क्रोशिया से ऐड कर देंगे। तो ऐसे ही हम पूरा यहाँ तक बनाते हैं पूरे गले में। देखिए ये पूरा राउंड हम बनाएंगे, जो राइट साइड वाला गला है और पीछे गला है सब में हम ये बुटीज बना लेंगे। ये देखिए ये हमने रो कंप्लीट कर लिया। मैं इसे सीधा करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए ये इसका गला बन गया। अब मैं इसकी सिलाई करके आपको बताती हूँ, इसकी मैं कंप्लीट सिलाई कर लेती हूँ। इसमें जो बाजू में लगाई उसकी वीडियो तो अपलोड की हुई है मैंने। इन तीनों वीडियोस का मैंने एक प्लेलिस्ट बना दिया है, उस प्लेलिस्ट के लिंक भी मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ जाके आप उसे चेक कर सकते हैं और ये प्यारा सा स्वेटर बना सकते हैं। तो पहले मैं इसकी सिलाई करती हूँ कंप्लीट और फिर मैं आपको इसकी टिप्स बताती हूँ कि इसमें अभी और क्या करना है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, जाइएगा नहीं अभी।
ये बाजू वगैरह मैंने इसमें सिल ली है, देखिए इस तरह से इसकी बाजू बनाई है, जिसकी वीडियो भी अपलोड की हुई है। और ये देखिए हमारा प्यारा सा गला बन के एकदम नए लेटेस्ट स्टाइल का गला बन के तैयार है। अब हम इसमें जो है यहाँ पे मोती लगा देंगे, थोड़ी सी मोती लगा के इसमें डेकोरेशन कर देंगे। और इसमें एक काम और कर सकते हैं आप, देखिए यहाँ पे ये जो दोनों बॉर्डर मैच हो रही है, यहाँ पे एक छोटा सा बटन लगा देंगे, जिससे जो जब पहनने पे गला इधर उधर नहीं होगा। ये बटन, एक शो बटन, इसका काफ़ी अच्छा लुक देगा। अगर आपको नहीं लगाना है तो स्किप भी कर सकते हैं, मैं इसमें बटन नहीं लगाऊंगी। लेकिन अगर कभी पहनाने पे आपको ऐसा लगे कि गला ऊपर नीचे हो रहा है, तो यहाँ पे आप एक बटन लगा दें, शो बटन, और उसको इसके अंदर से पास कर दें। बटन ऐसा लगाइएगा कि जिससे आप बंद कर सकें, ऐसा ना कीजिएगा कि इन दोनों को टांग दीजिएगा, वरना गला छोटा हो जाएगा। तो चलिए इसमें हम थोड़ा मोती लगा लेते हैं। मोती लगा रही हूँ, आप चाहें तो इसकी जगह पे वाइट और या फिर कंट्रास्ट का कोई भी कलर का मोती जो आपके पास अवेलेबल हो लगा सकती हैं। अब देखिए मोती लगाने के लिए क्या करेंगे, मोती हम ये जो हमने ब्लू कलर की के जो पी ये 8 डबल क्रोशिया बनाए हैं इसके ऊपर लगाएंगे। तो यहाँ पे हम इस जगह पे अंदर की तरफ पहले सुई से, ये देखिए इस तरह से गांठ लगाएंगे पहले एक, और फिर इसे बाहर निकालेंगे इस तरह से। देखिए बाहर निकालने के बाद ये देखिए ये जो हमारा फ्लावर है इसके बीच में इस तरह से डबल क्रोशिया के अंदर से निकालेंगे, एक मोती लगाएंगे इस तरह से। देखिए एक मोती हमने लगाया, और जो नेक्स्ट डबल क्रोशिया है इसमें इस तरह से पास करेंगे। देखिए ये फ्लावर लेके इस तरह से हम पास करेंगे और फिर इसमें निकालेंगे। ये देखिए इससे हमारा नीचे वाला फ्लावर टाइट भी हो जाएगा और ये मोती भी लग गया, ये देखिए इस तरह से। फिर नेक्स्ट मोती लगाएंगे यहाँ पे, और ये इस तरह से डबल क्रोशिया में से पास करते जाएंगे, दिखना नहीं चाहिए, आप कहीं से भी इसे पास कर लें इस तरह से। देखिए तो इसी तरह से मोती टांग लेंगे हम। ये देखिए ये लास्ट वाला मोती है, इसे हमने यहाँ पे लगा दिया। फिर इसके बाद ये देखिए इस डबल क्रोशे में इस तरह से सुई को इंसर्ट करके ये हम धीरे से पीछे की तरफ अंदर निकाल लेंगे, देखिए, और ये पीछे यहाँ पे नॉट लगा देंगे। अब मैं इसका पूरा लुक दिखाती हूँ। ये देखिए हमारा खूबसूरत सा गला, बहुत ही प्यारा, बहुत खूबसूरत सा गला बनके तैयार है। अब मैं आपको इसका पूरा लुक दिखाती हूँ। लुक है देखिए कितनी प्यारी, कितनी खूबसूरत सी फ्रॉक है ये। तो इस फ्रॉक को बनाइए, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।